हेलो माय डेयर स्टूडेंट माय सेल्फ आलोक वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड क्लियर आई होप स्टूडेंट आपने इससे प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो डिफ़ाइन किया था और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के क्या रूल्स थे वो भी आपने देख लिया होगा अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं अगर आप मैंने वो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि उस प्रीवियस वीडियो में हमने रूल्स डिफाइन किए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो प्लीज़ आप अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उसको जरूर देख लीजिएगा तब आज का वीडियो आप देखना शुरू कीजिएगा तो स्टूडेंट आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो स्टूडेंट यहां पे जितने भी कंपाउंड मैंने लिखे हुए हैं जो भी अंडरलाइन है रेड मार्कर से राइट उस उस एलिमेंट का हमें क्या कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है करेक्ट है जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो फर्स्ट है वो मैंने क्या लिखा है के एम एन ओ फोर केमेन्नो फोर इज पोटेशियम पर मैगनेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर दिस कम्पाउंड केमेनो फोर और अंडरलाइन कौन है एम एन तो हमें एम एन का क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट तो आइए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट के का मैंने बताया था के जो होता है वो ग्रुप वन एलिमेंट है उसका ऑलवेज प्लस वन होगा तो कितने आइटम है K के के वन तो वन इन टू वॉर्ड स्टूडेंट प्लस वन प्लस एम एन कितने एटम है वन एटम तो वन इंटू कितना एक्स प्लस ऑक्सीजन का मैंने बताया था पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को छोड़कर सबका क्या होगा माइनस टू दैट इज फोर इंटू माइनस टू इज इक्वल टू वॉट स्टूडेंट जीरो करेक्ट क्योंकि मैंने क्या बताया था सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा ज़ीरो आएगा किसी भी कंपाउंड का करेक्ट सो so जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी प्लस सेवन क्या आएगा प्लस सेवन तो प्लस सेवन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एम एन कितना है? एम एन का प्लस सेवन ऑक्सीडेशन नंबर है करेक्ट मैंने पहले ही बोला था विद साइन बताएंगे तभी करेक्ट माना जाएगा तो आपको विद साइन बताना है मैं रिपीट कर रहा हूं कैसे किया हमने उसके बाद हम थोड़ा फास्ट मूव करेंगे देखिए के, के एटम कितने हैं वन तो एटम इनटू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर तो एम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ऑलवेज प्लस वन प्लस एम के एटम वन तो वन इन टू एक्स ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता हमें एक्स इज एन ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज माइनस टू ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू जीरो प्लस सेवन इज एन ऑक्सीडेशन वॉट स्टूडेंट नंबर ऑफ एम एन इन के एम एन ओ फोर करेक्ट नेक्स्ट स्टूडेंट इन के टू सी आर टू ओ सेवन दैट इज पोटेशियम डाईक्रोमेट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर पोटेशियम डाईक्रोमेट एंड वी हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम तो कितना स्टूडेंट टू इन टू वॉट पोटेशियम प्लस वन प्लस टू इन टू सी आर वी डोंट नो दैट इज एक्स प्लस सेवन इन टू वॉट स्टूडेंट ऑक्सीजन माइनस टू इक्वल टू जीरो वेन यू सॉल्व एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स करेक्ट सो प्लस सिक्स इज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन इन केवन दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट नेक्स्ट स्टूडेंट हैलकुलेट करेंगे एक्स प्लस फोर इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एक्स को जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट प्लस सिक्स तो इन पोटेशियम क्रोम क्रोमियम हैज़ प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट नेक्स्ट स्टूडेंट है एच टू सी टू फोर दैट इज ऑक्जेलिक एसिड करेक्ट तो यहाँ पे स्टूडेंट जो भी जितने भी एसिड प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट है ना कोई भी एसिड होगा अगर उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या होता है हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा अगर ऑक्सी एसिड होगा ऑक्सी एसिड क्या होता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ऑक्सी एसिड में जो हाइड्रोजन होता है वो बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल इसका मतलब क्या है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा प्लस वन मैंने बताया था हाइड्रोजन का माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा जब वो मेटल के साथ बॉन्डेड होगा दैट इज ग्रुप वन और ग्रुप टू एलिमेंट के साथ करेक्ट तो आइए करते हैं तो टू हाइड्रोजन इंटू हाइड्रोजन का कितना स्टूडेंट प्लस वन प्लस टू इंटू कार्बन का हमें नहीं पता एक्स प्लस फोर इंटू ऑक्सीजन इज माइनस टू इज इक्वल टू जीरो वेन यू सॉल्व इट यू विल गेट एक्स इक्वल टू आर स्टूडेंट प्लस थ्री कितना आएगा प्लस थ्री करेक्ट नेक्स्ट स्टूडेंट के आई दैट इज पोटैशियम आयोडाइड सो पोटेशियम इज ऑलवेज प्लस वन तो वन इंटू प्लस वन प्लस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस वन करेक्ट है तो माइनस वन इज एन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयोडीन इन के आई नेक्स्ट इज स्टूडेंट एच टू एसओ फोर दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का क्या होगा एसिड है स्टूडेंट एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सी एसिड है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन का क्या होगा प्लस वन ऑक्सीजन स्टेट तो टू इंटू व्लस वन प्लस वन इंट एक्स प्लस फोर इन टू माइनस टू फोर इंटू माइनस टू दैट इज फॉर ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉट स्टूडेंट जीरो मैन यू सॉल्व इट यू विल गेट एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स करेक्ट राइट नेक्स्ट स्टूडेंट स्टूडेंट है नाइट्रिक एसिड दैट इज एच एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री में हमें नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है ये भी ऑक्सी एसिड है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा दैट इज प्लस वन होगा तो वन तो वन इंटू वाट स्टूडेंट प्लस वन प्लस वन इन टू एक्स प्लस सिक्स इंटू वॉट माइनस टू इज इक्वल टू जीरो सो एक्स इक्वल टू कितना प्लस फाइव करेक्ट स्टूडेंट राइट तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पहले जो सेवन एग्जाम्पल है वो आपको क्लियर हुए होंगे राइट right? तो अब हम थोड़ा और फास्ट करेंगे सो दैट हम मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम कवर कर सकें आज के वीडियो लेक्चर में करेक्ट ना HCl सी एल स्टूडेंट हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद नॉन मेटल सो दैट इज वन इन प्लस वन इन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो सो वन इंटू प्लस वन प्लस वन इन टू एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू कितना का स्टूडेंट प्लस फाइव करेक्ट नेक्स्ट स्टूडेंट है परक्लोरेट आयन क्या है परक्लोरेट आयन एच सी एल ओ जो फोर होता है स्टूडेंट उसको पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं तो अगर एक आप एच रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा सी एल ओ फोर माइनस इसको बोलते हैं पर क्लोरेट आयन इसमें हमें क्लोरीन का कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर अब आप ध्यान से देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है वन इन टू का हमें नहीं पता स्टूडेंट एक्स प्लस फोर माइनस टू दैट इज फॉर ऑक्सीजन इज इक्वल टू अब स्टूडेंट ये क्या है देखिए आयन है ठीक है तो आयन का क्या होगा जो भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल क्या करना है जो उसके ऊपर चार्ज है दैट इज इक्वल टू क्या माइनस वन क्योंकि ये अगर एच सी एल ओ थ्री कंपाउंड है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हमने क्या जीव क्या है जीरो है इसलिए आप सम ऑफ ऑल द चार्जेस को क्या इक्वल टू तो पुट कर रहे हैं ज़ीरो लेकिन जब आयन आएगा तो आपको क्या करना है सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या पुट करना है जो उस आयन के ऊपर चार्ज है उसके इक्वल पुट करना है करेक्ट है ना क्लियर तो इसको ध्यान रखिएगा तो क्या है स्टूडेंट वन इन टू एक्स प्लस फोर इंटू माइनस टू इज इज इक्वल टू माइनस वन वेन वी सॉल्व एक्स इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट प्लस सेवन सो प्लस सेवन इज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन पर क्लोरेट आयन सीमिलोरली स्टूडेंट पर मैगनेट आयन एम एनो फोर इज पर मैगनेट आयन तो कितना होगा वन इन टू एक्स इज प्लस फोर इंटू माइनस टू इज इक्वल टू स्टूडेंट जीरो होगा कि माइनस वन होगा आंसर क्या होगा स्टूडेंट माइनस वन इज सॉरीवल टू क्या होगा माइनस वन क्योंकि चार्ज कितना है माइनस वन का इज इक्वल टू माइनस वन जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो यह आएगा प्लस सेवन कितना आएगा प्लस सेवन करेक्ट नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है डाइक्रोमेट आयन सी आर टू ओ फोर टू माइनस तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे टू इन टू एक्स प्लस फोर इंटू वॉट स्टूडेंट माइनस टू इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट जीरो की माइनस टू आंसर क्या पुट करेंगे माइनस टू सो जब सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना है स्टूडेंट प्लस सिक्स तो डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या है प्लस सिक्स नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है सल्फेट आयन एस ओ फोर टू माइनस तो आप करके बताइए कितना है वन इंटू सल्फर एक्स प्लस फोर इंटू माइनस टू इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या पुट करेंगे माइनस टू की जीरो माइनस टू क्योंकि आयन के ऊपर चार्ज कितना है माइनस टू जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो एक्स इक्वल टू आएगा प्लस सिक्स करेक्ट नेक्स्ट है फॉस्फेट आयन पी ओ फोर थ्री माइनस तो फॉस्फोरस का कैलकुलेट करें अगर हम तो वन इंटू एक्स प्लस फोर इंटू और स्टूडेंट माइनस टू इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे माइनस थ्री राइट सो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट प्लस फाइव सो so, प्लस फाइव इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फेट आयन करेक्ट नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है नाइट्राइट सॉरी नाइट्रेट आयन दैट इज एन ओ थ्री माइनस तो एन ओ थ्री में कितना नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा वन इन टू एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस टू इज इक्वल टू आर स्टूडेंट माइनस वन वेन यू सॉल्व इट यू विल गेट एक्स इक्वल टू प्लस फाइव करेक्ट क्लियर स्टूडेंट अभी तक कोई डाउट है आपको क्लियर है ना सब कुछ राइट right? जो हाँ करेक्ट ना राइट सो अभी तक हमने uh, सेवेंटीन प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट आई होप आपको सारी ये क्लियर होंगी आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है एफ ई एस ओ फोर दैट इज़ फेरस सल्फेट करेक्ट एफ ई एस ओ फोर फेरस सल्फेट का और इसमें हमें एफ ई का कैलकुलेट करना है स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा हाँ यहाँ पर हम एक ट्रिक यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ ई क्या ट्रिक है स्टूडेंट देखिए हमें पता है ये एस ओ फोर तो सल्फेट है और एस ओ फोर जो सल्फ़ेट होता है उस पर चार्ज कितना आता है माइनस टू तो डेफिनेटली जो एफ ई होगा उस पर कितना चार्ज आएगा प्लस टू करेक्ट है ना दिस मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट एफ ई का कितना आ गया प्लस टू करेक्ट ना क्लियर और सल्फ़ेट आयन कितने हैं वन ही है राइट right? तो आप क्या करें सल्फ़ेट को एज सच एक आयन कंसिडर करें करेक्ट है उसको सेपरेट ना करें सल्फर और ऑक्सीजन को अगर आप सल्फर ऑक्सीजन को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा और मे भी आप राइट आंसर कैलकुलेट ना नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ आप जब कभी ऐसा कुछ आयन दिखता है तो इस आयन को एक ही एक ही कंसिडर करिए और उसके उस उससे फिर आप क्या कैलकुलेट करिए जो भी साथ में कंपाउंड है सॉरी जो भी एटम है उसको ऑक्सीडेशन पूछा हुआ है उसको फिर आप कैलकुलेट करिए इसको सेग्रीगेट मत करिए सल्फेट को मतलब सल्फेट आयन को एज सच एज एन वन मानिए आप ठीक है ना सल्फर और ऑक्सीजन को आप अलग अलग ना करिए कंसिडर एज एन आयन ओनली इसको पूरे एक आयन की तरह ही प्री ट्रीट करिए अगर आप आयन की तरह इसको ट्रीट करेंगे तो कैन यू कैन ईजिली सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्ट है अगर आपने सल्फर और ऑक्सीजन को सेपरेट कर दिया और फिर आप ऑक्सी ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकु फार्मूला लगाते हैं कैलकुलेट करने के लिए तो ये मे बी लॉन्ग हो जाएगा और मे बी आप राइट right आंसर आपको नहीं मिलेगा करेक्ट सो so, देखिए हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं एफ ई एस ओ फोर एफ ई का पता नहीं स्टूडेंट तो वन इन टू एक्स प्लस सल्फेट पे कितना चार्ज होता है माइनस टू का और सल्फेट आयन है कितने यहाँ पे वन तो वन इन टू और स्टूडेंट माइनस टू तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया प्लस टू करेक्ट ना क्लियर है प्लस टू नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है एफ ई टू एस ओ फोर होल्थ्राइज तो यहाँ भी सल्फेट है तो सल्फेट को हम आयन कंसिडर करेंगे एज एन तो कितना होगा यहाँ पे टू इन टू वॉट स्टूडेंट एक्स हमें नहीं पता एफ ई का कितना है प्लस थ्री सल्फेट आयन कितने स्टूडेंट थ्री हैं और चार्ज कितना होता -2 is equal to 0. तो equal to कितना है सल्फेट हमें माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा प्लस थ्री सो so, फेरिक सल्फेट में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस थ्री करेक्ट नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है सोडियम थायोसल्फेट स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर दैट इज एन ए टू एस टू ओ थ्री सोडियम थायोसल्फेट राइट सोडियम ऑलवेज स्टूडेंट प्लस वन है क्योंकि ग्रुप वन का एलिमेंट है तो टू इंटू कितना प्लस वन प्लस टू इंटू सल्फर हमें नहीं पता एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा कितना एक्स इक्वल टू प्लस टू करेक्ट कितना आएगा प्लस टू पी एच थ्री स्टूडेंट क्या है फॉस्फीन क्या है पी एच थ्री इज फॉस्फीन तो फॉस्फीन में फॉस्फोरस का कैलकुलेट करें फॉस्फोरस इज स्टूडेंट क्या है नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा प्लस वन तो वन इन टू एक्स प्लस थ्री इंटू प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा माइनस थ्री कितना आएगा माइनस थ्री करेक्ट ना सिमिलरली जैसे अगर एमोनिया एनएस थ्री अगर हम नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा वन इन टू एक्स और नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन तो थ्री इंटू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू कितना आएगा माइनस थ्री तो इन एमोनिया नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है माइनस थ्री करेक्ट ना नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है एमोनियम आयन एमोनियम आयन इज एन एच फोर प्लस इसमें नाइट्रोजन कैलकुलेट करें तो क्या होगा वन इंटू एक्स प्लस फोर इन टू प्लस वन क्योंकि नाइट्रोजन नॉन मेटल है इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या पुट करेंगे आयन ये तो इक्वल टू क्या पुट करेंगे चार्ज और चार्ज यहाँ पे क्या है प्लस वन मैन यू सॉल्व स्टूडेंट आपको एक्स कितना मिलेगा माइनस थ्री सो एमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है कितना है माइनस थ्री करेक्ट नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है एन एच फोर पी ओ थ्री इट इज एमोनियम फॉस्फेट क्या है ये आप नेम लिख लीजिएगा NH3 थ्री एन एच फोर होल थ्राइस पी ओ फोर एमोनियम फॉस्फेट और एमोनियम फॉस्फेट को क्या स्टूडेंट हमें एमोनियम फॉस्फेट में फॉस्फोरस का कैलकुलेट करना ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट तो देखिए स्टूडेंट यहाँ भी हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि एमोनियम को हम एक एन आयन ही कंसिडर करेंगे और और फिर हम कैलकुलेट करेंगे क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ़ फास्फोरस तो एमोनियम पे हमें पता है अभी अभी हमने देखा था एमोनियम पे चार्ज कितना होता है स्टूडेंट प्लस वन तो थ्री इंटू तो कितना स्टूडेंट प्लस वन एमोनियम आयन कितने थ्री और चार्ज कितना है प्लस वन प्लस एक्स इंटू वॉड स्टूडेंट वन इंटू एक्स दैट इज़ फॉस्फोरस कितने वन और ऑक्सीडेश प्लस फोर इंटू वॉड स्टूडेंट माइनस टू इज इक्वल टू वॉर्ड स्टूडेंट जीरो करेक्ट तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी प्लस फाइव करेक्ट है तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एक वही किया है ठीक है क्या है अमोनियम आयन कितना है एन एच फोर प्लस है एन एच फोर है तो आपने क्या जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट एक्स इक्वल टू कितना प्लस फाइव एमोनीम को एक एज एन आयन ही कंसिडर करिए स्टूडेंट तो आपको ईजी रहेगा क्या कैलकुलेट करने के लिए यहाँ भी सल्फेट को एज एन आयन कंसिडर करिए ठीक है और कैलकुलेट करिए नेक्स्ट स्टूडेंट एन एल आई थ्री एन ए थ्री ए एल एफ सिक्स होल्ड वाइस क्या कंपाउंड है एल आई थ्री ए एल सॉरी एल आई थ्री एन ए थ्री ए एल एफ सिक्स होल्ड वाइस और हमें किसका कैलकुलेट करना है ए एल का ऑक्सीडिजन नंबर कैलकुलेट करना है तो देखिए क्या है कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट लिथियम ग्रुप वन का एलिमेंट है तो थ्री इन टू और स्टूडेंट प्लस वन प्लस सोडियम भी किस में है ग्रुप वन का एलिमेंट तो थ्री इंटू और स्टूडेंट प्लस वन सोडियम भी करेक्ट है ना अब स्टूडेंट ए एल कितने यहाँ पे होल ट्वाइस है तो ए एल कितने हैं टू तो टू इंटू एक्स प्लस फ्लोरिन कितने हो गए स्टूडेंट अंदर कितने आइटम है सिक्स और बाहर कितना है ट्वाइस तो सिक्स टू जो ट्वेल्व तो ट्वेल्व इंटू फ्लोरिन का ऑलवेज कितना होता है स्टूडेंट माइनस वन इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे जीरो जब स्टूडेंट आपको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी प्लस थ्री करेक्ट ना राइट right? स्टूडेंट नेक्स्ट है स्टूडेंट एच टू एच टू ओ थ्री स्टूडेंट इसका नाम करेक्ट करिएगा मैंने यहाँ पे नेम गलत लिखा हुआ है ठीक है थायो सल्फेट इट्स नेम इज़ रॉन्ग इट इज थायो सल्फ्यूरिक एसिड क्या नाम है स्टूडेंट इसका आप प्लीज़ नोट करिएगा इसका नेम है थायो सल्फ्यूरिक एसिड करेक्ट तो ये ऑक्सी एसिड है स्टूडेंट तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा तो कितना होगा हाइड्रोजन का प्लस वन तो टू इंटू कितना प्लस वन प्लस टू इंटू स्टूडेंट क्या वॉट सल्फर का एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट प्लस टू करेक्ट सो प्लस टू इज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन थायोसल्फ्यूरिक एसिड प्लीज राइट इट डाउन थायोसल्फ्यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर क्लियर नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है एच टू एच टू ओ सेवन राइट इसमें हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट इट्स कॉमन नेम इज ओलियम क्या बोलते हैं इसको एच टू एच टू ओ सेवन को ओलियम और इसका केमिकल नेम जो है कॉमन नेम क्या स्टूडेंट ओलियम बट इसका जो केमिकल नेम है वो है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड आइए कैलकुलेट करते हैं तो हाइड्रोजन कितना टू इंटू प्लस वन प्लस टू इंटू और स्टूडेंट एक्स सल्फर का कितना एक्स प्लस सेवन इंटू माइनस टू करेक्ट इक्वल टू जीरो जो है सॉल्विट एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको प्लस सिक्स कितना मिलेगा प्लस सिक्स करेक्ट ना नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है एच थ्री पी ओ फोर दैट इज फॉस्फोरिक एसिड तो फॉस्फोरिक एसिड भी ऑक्सी एसिड है तो हाइड्रोजन का कितना प्लस वन तो थ्री इन टू प्लस वन प्लस एक्स इन टू स्टूडेंट वन ठीक है फॉस्फोरस कितने वन है प्लस फोर इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो वेन्यू सॉलविट एक्सी वैल्यू कितनी मिलेगी प्लस फाइव कितना आएगा प्लस फाइव राइट सो प्लस फाइव इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन एच थ्री पी ओ फोर दैट इज फॉस्फोरिक एसिड राइट नेक्स्ट स्टूडेंट सी एच थ्री होल्ड ट्वाइस एस ओ क्या है सी एच थ्री होल्ड ट्वाइस एस ओ एंड वी हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लीज याद रखेंगे स्टूडेंट जो सी एच थ्री है इसके ऊपर प्लस वन का चार्ज होता है कितना है इट कंटेंस प्लस वन चार्ज तो सी एच थ्री कंटेन्स प्लस वन चार्ज ठीक है सो दिस मीन्स क्या स्टूडेंट हम यहाँ पे एक आयन ही लेके चलेंगे इसको अलग अलग नहीं करेंगे एटम्स में ठीक है तो सी एस थ्री कितने हैं टू और चार्ज कितना है स्टूडेंट प्लस वन प्लस एक्स इन टू और स्टूडेंट वन सल्फर प्लस कितना वन इन टू माइनस टू ऑक्सीडेशन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको जीरो कितना आएगा जीरो तो हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज जीरो करेक्ट नेक्स्ट इज एफ ई टू ओ थ्री वॉट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ इन एफ ई टू ओ थ्री तो वेरी इजी स्टूडेंट टू इन टू एक्स प्लस थ्री इन टू वॉट माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको प्लस थ्री करेक्ट ना राइट तो ऑक्सीडेशन स्टेट इन एफ एफ ई टू थ्री ऑफ एफ ई इज प्लस थ्री नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है के फोर एफ ई सी एन सिक्स क्या है के फोर एफ ई सी एन सिक्स स्टूडेंट जब कभी भी आपको ऐसा कोई कंपाउंड देखे जो स्क्वायर ब्रैकेट में है और इसके इधर लेफ्ट साइड में या राइट right साइड में कुछ एटम uh, लगे हुए हैं राइट बट सेंटर में क्या है स्क्वायर ब्रैकेट है तो ऐसे कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करेक्ट ना राइट तो स्टूडेंट आपको अगर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो आप जो अभी तक करते आए हैं वही आपको मेथड अप्लाई करना है कुछ भी नया नहीं करना है करेक्ट है ना क्लियर तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है आपको सेम करना है जो आप पहले करते हुए आए टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर आइए करते हैं के फोर एफ सी एन सिक्स राइट एफ का कैलकुलेट करना है पहले स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है सी जो होता है दैट इज साइनाइड आयन इस पर जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है कितना होता है माइनस का तो अगर आपको याद रहेगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे तो याद रखना है साइनाइड एन पे चार्ज कितना होता है माइनस वन का तो पोटेशियम कितने हैं फोर तो फोर इन टू प्लस वन प्लस एफ ई कितना स्टूडेंट वन तो वन इन टू एक्स प्लस साइनाइड एन कितने सिक्स और हरे पे कितना चार्ज है माइनस वन इज इक्वल टू तो जीरो एक्स इक्वल टू तो कितना स्टूडेंट प्लस टू करेक्ट ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ इन के फोर इज़ प्लस टू नेक्स्ट स्टूडेंट एन एच फोर एन ओ टू एमोनियम इसको बोलते हैं एमोनियम नाइट्राइट में नाइट्रोजन का तो स्टूडेंट क्या है मैंने पहले बताया था एमोनियम पे कितना चार्ज होता है प्लस वन तो इसको आप एक आयन ही कंसिडर करेंगे तो एमोनियम आयन कितने स्टूडेंट वन तो वन इन टू कितना प्लस वन प्लस नाइट्रोजन वन वन इन टू एक्स प्लस टू इन टू माइनस टू दैट इज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू जीरो यू सॉल्व इट एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस थ्री करेक्ट ना क्लियर तो स्टूडेंट हमने काफ़ी एग्जाम्पल डिस्कस किए जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट मैंने हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर ही कैलकुलेट किया है हमने पर एटम का रेजिडुअल चार्ज कैलकुलेट नहीं किया है दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं किया है हमें जब कहा जाएगा तभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे अदरवाइज़ हमें उसकी ज़रूरत नहीं है हम सिर्फ कंसनट्रेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर पे दैट इज़ एवरेज रेजिडुअल चार्ज पे किस पे करेंगे एवरेज रेजिडुअल चार्ज पे मैं फिर से कह रहा हूँ ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा स्टूडेंट जब आप इससे प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने रूल्स डिफाइन किए थे टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट वो आपने थोरोली रिवाइज़ uh, किया होगा करेक्ट है ना और वो आपको याद होगा तभी आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा क्लियर है तो इसको देखने से पहले आप एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा करेक्ट ना ठीक है थैंक यू